हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेड स्मैशर। आज का क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री में से। लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। अ बाइनरी सर्च ट्री स्टोर्स द वैल्यू इन द रेंज 37 टू 573। मतलब बाइनरी सर्च ट्री है जिसकी रेंज जो है उसके कीज की रेंज इसके बीच में है और सीक्वेंस ऑफ कीज यहां पे हमें दिए हुए हैं 4। और क्वेश्चन में पूछा सपोज द बाइनरी सर्च ट्री हैज बीन अनसक्सेसफुली सर्च फॉर 273। मतलब हम 273 को सर्च कर रहे हैं लेकिन वो नहीं मिलेगा, जैसा कि आपको इन सीक्वेंसेस में कहीं पे भी 273 नहीं दिख रहा। लेकिन पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव सीक्वेंस लिस्ट द नोड इन द ऑर्डर इन विच वी कुड हैव बीन एनकाउंटर देम इन द सर्च। मतलब अगर हम सर्च करते हैं 273 को, ऑल्दो वो 273 यहां पे नहीं मिलेगा बिकॉज कीज में है ही नहीं, लेकिन अगर हम सर्च करते हैं तो जो ये सीक्वेंस है, क्या ये सीक्वेंस बाइनरी सर्च ट्री के अकॉर्डिंग है या नहीं। मतलब अगर इन फ्यूचर वो 273 आता है कभी, तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री बना है वो एप्रोप्रिएट बना है या गलत बना है। तो लेट स्टार्ट विद द सीक्वेंस वन। तो सीक्वेंस वन में हमारे पास क्या है, 87। फर्स्ट एलिमेंट है 87। तो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या है, जो राइट एलिमेंट है वो हमेशा पेरेंट से, मतलब पेरेंट नोड से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और लेफ्ट एलिमेंट हमेशा पेरेंट नोड से छोटा होना चाहिए। तो 87 यहां पे फिलहाल पेरेंट है। उसके बाद 537 इससे बड़ा एलिमेंट है, तो हम किस तरफ जाते हैं, राइट साइड में। देन 102 537 से छोटा है, तो हम 102 कहां बनाएंगे, इस डायरेक्शन में। देन 439 आ गया, किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज 439 जो है वो 102 से बड़ा है और 537 से छोटा है, तो 537 के लेफ्ट रहा। और ओवरऑल देखो आप, चाहे 87 से वो बड़ा है तो 87 के राइट में है, 437 से छोटा है तो 437 के लेफ्ट में है, 102 से बड़ा है तो 102 के राइट में है। देन 285, तो 285 हम बना देते हैं यहां पे, बिकॉज 439 से छोटा है और ऑब्वियसली 537 से भी छोटा है, तो 537 के ये सारे लेफ्ट में है। देन 285 के बाद आया 376 इसके राइट में बनेगा, बिकॉज इसका राइट एलिमेंट है, क्योंकि ये बड़ा एलिमेंट है। देन 305 की अगर हम बात करें तो लेफ्ट एलिमेंट है, बिकॉज ये इससे छोटा एलिमेंट है। अब हम गाइज अगर बात करें, लेट्स से 273 अगर यहां पे आता है, कहीं पे भी अगर 273 आता है, तो 273 की वैल्यू कहां पे आएगी, इन केस अगर फ्यूचर में आता है 273 तो कहां पे आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो 285 से लेस होगा। लेकिन हम कहां पे चल रहे हैं अभी, 305। तो अगर 305 के नीचे 273 आता है, लेट से यहां 273 आ गया, तो 273, क्योंकि हम एट प्रेजेंट यहां पे खड़े हैं, तो 273 इसके लेफ्ट में आएगा और गलत हो जाएगा। जैसे ही वो लेफ्ट में 273 आप बनाओगे, तो वो 273 285 के अकॉर्डिंग तो राइट में हो गया ना, क्योंकि 285 के राइट में है, इसके चाहे लेफ्ट में है, लेकिन ये सारे एलिमेंट जो है, ये सब ट्री जो है, ये पूरा का पूरा सब ट्री 285 के राइट में है। तो यहीं पे आपका सीक्वेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज 273 285 से छोटा है, तो हमारी सर्च इस तरफ होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी सर्च इस तरफ नहीं जा रही, किसी और डायरेक्शन में जा रही है। तो आप कह सकते हो कि ये सीक्वेंस गलत है। अगर हम 273 को सर्च करें तो डेफिनेटली ये सीक्वेंस हमें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट 52। अगर हम नेक्स्ट बनाते हैं 52, देन 97 52 से बड़ा है तो राइट साइड में बनाते हैं। देन 121 भी बड़ा है 97 से तो राइट में। 195 भी बड़ा एलिमेंट है तो ये राइट साइड में। 242 भी बड़ा एलिमेंट है तो ये भी इसके राइट में बन जाएगा। देन 381 एलिमेंट भी इससे बड़ा है तो राइट चाइल्ड बनेगा। 472 लो, ये भी बड़ा एलिमेंट है तो ये भी क्या बन गया यहां पे राइट में। ये इसको तो आप बोल सकते हो राइट स्क्यूड, मतलब एक डायरेक्शन में चल रहा है, राइट साइड में ही चल रहा है। अगर यहां पे भी हम बात करें 273 को, अगर हम सर्च करें तो 273 यहां तक हमारा सर्च नहीं हुआ। अगर इन केस 273 आगे आता है तो 273 अगर आप यहां पे
चाहे इसके लेफ्ट में बनाओगे 273 अगर इस डायरेक्शन में बनाओगे तो ये सारा का सारा यहां पे गलत हो जाएगा, बिकॉज 273 जो है 387 के लेफ्ट में होना चाहिए था, लेकिन हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट साइड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर 273 फ्यूचर में कभी आता है तो वो क्या होगा, गलत सर्च हो जाएगी, बिकॉज एलिमेंट जो है वो पीएसटी की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सही नहीं जा रहा, क्योंकि या तो वो यहां से हमें मुड़ना चाहिए था लेकिन हम यहां से नहीं मुड़े, हम तो 472 पे चले गए। अब इन केस 273 आगे आता है तो आप चाहे लेफ्ट में बनाओ चाहे राइट में बनाओ, राइट में तो हालांकि बना नहीं सकते लेकिन लेफ्ट में भी बनाओगे तो वो 381 के राइट में हो जाएगा। तो 381 के राइट में 273 कैसे आएगा, ये तो बीएसटी की प्रॉपर्टी यहां पे इनवैलिड हो जाएगी। तो यानी ये वाला जो सीक्वेंस है ये भी सीक्वेंस हमारे जो है गलत डायरेक्शन में जा रहा है। देन थर्ड सीक्वेंस की बात करें 142, यस 142 की अगर हम बात करें तो इस डायरेक्शन में देखते हैं, लेट्स से 142 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 248, लो ये भी बड़ा एलिमेंट है तो हम राइट साइड में इसका हमने चाइल्ड बना दिया। देन 520 भी इससे बड़ा है तो राइट साइड में हमने चाइल्ड एलिमेंट बना दिया। 386 520 से छोटा है तो 386 हमने इस साइड बना दिया। ये देखो 386 चाहे 520 का लेफ्ट है लेकिन 248 का राइट है, 248 का राइट होना ही चाहिए बिकॉज 386 248 से तो बड़ा ही है। देन 345 अगर हम बनाए तो ऑब्वियसली वो इस जगह पे बनेगा बिकॉज 345 जो है 386 से छोटा एलिमेंट जो है तो वो इस साइड में आ जाएगा, लेकिन ये सारे के सारे एलिमेंट जो है ये सारे के सारे 248 के राइट में है और ये बिल्कुल ठीक है यहां तक। देन 270 की अगर हम बात करें तो 270 जाएगा इस डायरेक्शन में इसके लेफ्ट में। देन 307 जो है वो यहां पे इसके राइट में गया, 307 है वो इसके राइट में गया। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो 273 अगर इनकेस आता है फ्यूचर में, 273 आप कहां बनाओगे, 273 आप बनाओगे 307 के लेफ्ट में, इन केस अगर फ्यूचर में आता है। तो देखो 273 आपने इसके लेफ्ट में बनाया तो क्या 273 सही डायरेक्शन में है, अगर आप ऊपर के पेरेंट्स को भी चेक करें यस, बिकॉज 273 आप 307 के तो लेफ्ट में बना ही रहे हो विच इज वैलिड और 270 के राइट में बना रहे हो और ऑब्वियसली बात है 273 270 से बड़ा है तो 270 के आप राइट में बना रहे हो, यानी ये वाला जो ये बाइनरी सर्च ट्री है ये सही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर 273 आएगा तो ये बिल्कुल सही डायरेक्शन में ये बना हुआ है, तो दिस इज व्हाट वैलिड। लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन आल्सो, फोर्थ वन ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि क्यों ये गलत है, बिकॉज एक ऑप्शन हमारे पास यहां पे आ गई 550। लेट्स स्टार्ट विद द 550 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है 149, तो 149 इसके लेफ्ट में बन गया। 507 इसके राइट में, इसके राइट में है लेकिन देखो 550 के लेफ्ट में है विच इज वैलिड टिल नाउ। 395 इससे छोटा है तो हमने इसके लेफ्ट में बना दिया, लेकिन देखो 149 के राइट में है अभी तक ये बिल्कुल ठीक है। देन 463 ऑब्वियस ही बात है इसके राइट में बनेगा। देन 402 इसके लेफ्ट में, तो अभी तक भी ठीक है क्योंकि 402 जो है 463 से छोटा है सही है और 395 से बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाला जो सब ट्री है ये सब ट्री 395 से बड़ा है तो ये सही डायरेक्शन में है। देन 270 ओके, नाउ 270 कम, तो 270 हमने बना दिया यहां पे, जैसे ही 270 यहां पे बनाया यहीं पे आपकी गड़बड़ हो गई, बिकॉज पहले तो यहां पे जो बीएसटी ही इनवैलिड हो गया बिकॉज 270 आपने 395 के राइट में बना दिया, ये जो सब ट्री है ये 395 के राइट में है और तो गलत हो गया, 270 तो राइट में आ ही नहीं सकता, 270 तो हमेशा लेफ्ट में ही आना चाहिए। और अगर इनके फ्यूचर में 273 भी आता है तो आप कहां बनाओगे,
इसके राइट में, तब भी गलत हो जाएगा बिकॉज 395 के 395 से ये बड़े एलिमेंट है, लेकिन 273 तो 395 से छोटा है, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये जो डायरेक्शन है ये तो ये भी गलत है। यहाँ तो डायरेक्शन क्या, यहाँ तो ये जो बाइनरी सर्च ट्री की ये जो की है यही की हमने गलत इंसर्ट की हुई है बिकॉज ये 395 के राइट में है। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि इन केस अगर फ्यूचर में कभी आता है तो हमारा जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बिल्कुल सही सीक्वेंस में यहाँ पे चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बाइनरी सर्च ट्री। गाइस ट्रीज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अगर हम बात करें हीप ट्री की या फिर हम बात करें नॉर्मल ट्री की और ग्राफ्स की, ये जो दो तीन पॉइंट्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एल्गोरिदम में भी है और ये डेटा स्ट्रक्चर में भी है और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ग्राफ थ्योरी में भी है। तो ये जो टॉपिक है आपको कहीं से भी आ सकते हैं लेकिन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि ये तीन सब्जेक्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एक टॉपिक अगर तीन सब्जेक्ट्स में आ रहा हो तो ऑब्वियस ही बात है अगर डा में नहीं पूछेंगे तो वो डीएस में पूछ लेंगे, डीएस में नहीं पूछेंगे तो वो ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ लेंगे, लेकिन इसमें से प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है और आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के, आप एक बार जरूर वो सारे क्वेश्चन ट्राई करके जाना। थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।